यही था। मैं जगी और अपना फोन देखना चाह रही थी कि अलार्म क्यों नहीं बजा इसके लिए, तो जब दिखा नहीं, मैं देखा कि मम्मी का भी दोनों फोन नहीं है। तब तक मम्मी ने बताया कि उनका पर्स भी नहीं है, वो कुछ समय के लिए तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई। मुझे क्योंकि ये थॉट ही कि कमरे में कोई आया था और ऐसे कुछ लेके चला गया, वो थॉट ने इतना डरा दिया मुझे कि इट वॉज वेरी स्कैरी। तो जैसे मुझे समझ में आया, मैंने नीचे रिसेप्शन पर बात की और पुलिस तब तक आ चुकी थी। मैंने बस अपने फ़ोन से नीचे फ़ोन किया था, तब तक मैं जब तक नीचे पहुंचे पुलिस आ गई थी वहां पे, और सीसीटीवी फुटेज देखना चालू हो गया था लगभग 9 बजे के आसपास। मैं बस यही सोच के मुझे डर लग रहा था कि सब सामान लेके गया, कुछ अगर जब कोई आता कमरे में मेरी आंख खुल जाती तो क्या होता, बस यही सारे थॉट्स मुझे बहुत डरा रहे थे। उस समय आप कमरे मैं सोई हुई थी एक्चुअली, सुबह मैं जगी थी और मेरे पापा का कमरा बाजू में ही था, तो उनको दवाई देने गई थी तो मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। उसके बाद मैं वापस आके लॉक करना भूल गई, बस वो ही एक गलती हो गई मुझसे और फिर इतना सब हो गया। जो जब मैं कल पूरे दिन सबसे बात करी थी, प्रशासन के सभी लोग, सब लोगों ने इतनी मदद की, इतना आश्वासन दिया मुझे दिन भर, जितने का सामान गया कोई भी आदमी पैनिक करने लगेगा, और मैं बहुत डरी हुई थी अंदर से। तो जब मुझे सर बोल रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, आपको सब वापस मिल जाएगा, आप भरोसा करिए, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, हो सकता है कि जिसने चुराया है वो मिल जाए, पर जो सामान चुराया है वो थोड़ी मिल पाएगा, मिलेगा 2-3 दिन बाद मिलेगा। मतलब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बट मुझे ये बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि 24 घंटे के अंदर सारा सामान, मतलब मेरे पर्स में एक 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 लिपस्टिक तक इधर से उधर नहीं हुई है, सोना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को, अयोध्या में आप सब लोगों ने जिन्होंने मेरी मदद की, मैं आप सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतनी तेज़ कार्रवाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं की।